If the planet existed, let me write this again. If a planet existed with a, if a planet existed whose mass was twice that of Earth, twice that of Earth, and whose radius and whose radius three times greater, comma, इसके बाद आपको बच्चों कहा गया है हाउ मच विल ए 1 किलोग्राम मास वे ऑन दैट प्लेनेट वे ऑन दैट प्लेनेट बिकम. सो डियर चिल्ड्रन, फिर से देखिएगा, आपको किसी नए प्लेनेट की ये बेटे स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं कि रेडियस इतना है, मास इतना है. उस प्लेनेट पर 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट का आपको वेट जो है दैट इज विथ ए नीडेड फॉर वी आर टू कैलकुलेट दिस. लेट अस विथ ए कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट बेटा. इसमें इमेजिन कर लीजिए एम ई जो है दिस इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. और डियर चिल्ड्रन, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, युग शर्मा बेटा बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप. युग शर्मा सर, हो गया सॉल्व. बता दीजिए हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी. 6.53 केजी. नहीं बेटे, सॉरी 6.53 न्यूटन. एक बार रीचेक करिएगा बेटे, इतना नहीं मेरे पास आंसर इसका बना हुआ. एक बार रीचेक करिएगा सर, 2/3 आएगा. 2/3 इनटू 9.8 कर देंगे हम. नहीं नहीं बेटे, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ. 2/3 इनटू 9.8 जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा. जितना इस न्यूमेरिकल का आंसर है मेरे पास उतना लिखा नहीं पड़ा. लेट मी सॉल्व दिस, आप कंपेयर कर लीजिए. अगर आप कैलकुलेशन रीचेक कर लोगे दैट विल बी मच बेटर बेटे. राइट बेटे, चलिए फिर बेटे आगे चलें. जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर, एंड आई मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब आपको उन्होंने कहा कि प्लेनेट एक एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेनेट का जो मास है, मास ऑफ द प्लेनेट ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है. सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज 2 times मास ऑफ द अर्थ बेटे. सेकेंडली आपको दिया गया है रेडियस ऑफ द प्लेनेट. अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें बेटा, आपको दिया गया है इट इज 3 times दैट ऑफ अर्थ. राइट जी बेटे. सो आप सिंपली वैल्यूज एक्सप्रेशन जो जी का है उसमें पुट कर दीजिए. जी ऑन द प्लेनेट, दिस इज कैपिटल जी, मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इसका स्क्वायर. अब हम बेटे वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी एट द प्लेनेट विल बी जी मास ऑफ द प्लेनेट, इट इज 2 times द मास ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द प्लेनेट 3 times द रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर करेंगे जी. जी एट द प्लेनेट विल बी 2/9 जैसे आपने कहा ही था, जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इसका बेटा स्क्वायर. एंड लेट मी बेटे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर बेटे 2 बेटा. अब बेटे जी की वैल्यू अगर हम पहले वर्कआउट कर लें कि जी
हमारा प्लेनेट पे कितना आ रहा है, उसके बाद हम वेट की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। सो लेट मी मेक अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट, ये ऐसे आइए देखें। इसमें आप इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, जी एट द प्लेनेट इज 2 by 9 times जी ऑन द अर्थ आ जाएगा जी। अब बच्चों देखो, आपको स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है कि 1 kilogram के मास का वेट निकालना है उस प्लेनेट पे। आप इसको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 by 9 times दिस बेटा m into g, ये वेट होता है बेटा, वेट ऑन द प्लेनेट, दिस इज 2 by 9 times, m 1 kilogram था, g 9.8 है, तो ये आपके पास लगभग इतना आ जाएगा 2.18 न्यूटन के करीब मेरा आंसर आ रहा है बेटा। हाँ जी पुत्र जी, चेक करके देखिए सारे स्टूडेंट्स बेटा। हाँ जी बेटे, नाइस बेटे, नाइस। बाकी बच्चे भी चेक करके देखिए जी, युग शर्मा पुत्र बेटे समझ आ गया बेटा, योग बेटा, ओके नाइस बेटे, नाइस। चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं, आप ट्राई करिएगा जैसे आप अभी कर रहे थे। मे बी कई बार कैलकुलेशन में बेटे थोड़ा बहुत जो है फर्क पड़ भी जाता है, अगर हम अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा बेटे टाइम लेकर करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जल्दबाजी में थोड़ा सा कई बार गलती के चांसेस बन जाते हैं, ट्राई टू अवॉइड दैट बेटा। इसके बाद बेटे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे आपके लिए, लिख रहा हूं मैं, नोट करिएगा। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप, लेट मी राइट बेटे, ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली, thrown up vertically with a velocity of 50 meter per second, with a velocity of 50 meters per second, what will be its velocity at the highest point, what will be its velocity at the highest point, एक बात आपको ये बतानी है। Secondly, how much high would this particle rise? How much high would this particle rise? तीसरी बात है पुत्र, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये कितना टाइम लेगा बेटे, ये तीन पार्ट्स में एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। ऑल ऑफ यू बेटा ट्राई टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। जो चीजें आपको दी गई हैं इन चीजों को पहले आप बेटे सेपरेट करके लिखिएगा, आपको दिया गया गया है सॉल्यूशन पार्ट में। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 50 meters per second का, आपको इसकी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये निकालना है, और आपको हाइट भी निकालना है कितना ये अटेन करेगा, और आपको टाइम निकालना है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। इसमें
एक अगर आप बेटे हेल्प लो डायग्राम की, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. बेटे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया एंड हियर इट गोज. जब आप इसको थ्रो करोगे तो ये ऐसे जाते 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 यहाँ पे जाकर अपना पाथ जो है ये वापस आना स्टार्ट हो जाता है. मे बी आप इसको यहाँ पे कैच भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. हाईएस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है. हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉर ए मोमेंट इट कम्स टू रेस्ट विद इट. सो इट विल मीन दैट कि वी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है दिस इज इक्वल टू जीरो. याद रखिएगा आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड वो जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा देन इट विल कम बैक. एट द पीक और एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर ए मोमेंट इट कम्स टू रेस्ट. सो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो. Your first part, it stands answered with it. हाँ जी युग शर्मा 2.5 and 5 seconds with it. Let me time बिल्कुल ठीक है. Height एक बार चेक करिएगा युग शर्मा time ठीक है आपका. So height के लिए बेटे आप v square minus u square is equal to 2gh ये relationship आप use कर सकते हो. आइए वैल्यूज पुट करके देखें. वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी 50 है बिकॉज अपवर्ड जर्नी है तो जी को आप नेगेटिव ले सकते हो. एच आपका रिक्वायर्ड है. इसको थोड़ा टर्म्स को सॉल्व करिए. माइनस 50 इंटू 50 इज माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच. ये जीरो कट गया. ये 2 से करोगे तो 25 आ जाएगा और नेगेटिव साइन भी कट गया डियर चिल्ड्रन. और आपका जो हाइट है इट विल टर्न आउट टू बी 25 5s are 125 meters. युग शर्मा चेक करिए उत्तर इज इट देयर और नॉट. युग शर्मा हाँ जी ठीक है वेरी नाइस बहुत बढ़िया. टी निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी आपको बच्चों 50 दिया हुआ है. g को आप 10 ले लीजिए नेगेटिव का t आपका निकल आएगा. 50 इज इक्वल टू 10 टी. टी इज इक्वल टू 5 seconds. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस ऑल ऑफ यू. सो डियर चिल्ड्रन आर यू एप्रन आर्यन अश्नीत कौर दिलजीत धीरेन एकजोत जयती लक्ष्य नितांश परमीत परनय एंड राघव शर्मा रमनजीत रेणुका सिंह रिधिका रिधिमा ऋतिक सिमरन सिमरन सुधीक्षा सुमाति यशिका एंड बेटा दीपांशी युग शर्मा. किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली आप पूछ सकते हो बेटा. ऑल ऑफ यू बेटे डियर चिल्ड्रन किसी भी बच्चे को अगर कोई बात नहीं किसी भी तरीके का डाउट है यू आर मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं. ओके नाइस बेटे नाइस बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. चलिए फिर आगे चलें बेटे. वन मोर न्यूमेरिकल फॉर यू ऑल. Let us concentrate. Numericals बेटे ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड है अच्छा होता चला जाएगा और आप जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इजी फील करेंगे इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द साइंसेज बेटे. सो करते रहिए काम. कीप ऑन शोइंग गुड वर्क एंड चलिए आगे चले बेटा. क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा. ए कार फॉल्स ऑफ
a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. Let me write with it. A car falls off a ledge and drops to the ground, drops to the ground, drops to the ground in 0.5 seconds. Let G is equal to 10 meter per second square. First part hai, what is the speed on striking the ground? What is the speed on striking the ground? Second part hai, what is its average speed during 0.5 seconds? What is its average speed during 0.5 seconds? Teesra part hai bachcho, how much is the ledge from the ground? How much is the ledge from the ground? ये बेटे तीन parts आपको दिए गए हैं question के. All of you बेटा इसको solve करने का try करिएगा. मुश्किल नहीं, आसान है. जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया काफी उससे मिलता जुलता है ये बेटा. एक बार सारे स्टूडेंट्स 2 मिनट्स डिवोट करिएगा. आई विल आल्सो बी सॉल्विंग, देन फिर हम बेटे अपना आंसर मैच कर लेते हैं. ऑल ऑफ यू बेटे डियर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटे. स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज नॉट जीरो बेटा. एफ्रन बेटा थोड़ा सा देखिए, जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इट विल नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो पुत्र. यस जयती, गुड. हाँ जी युग शर्मा जी बोलिए. हाँ जी दिलजीत, ठीक है बेटा. युग कुछ कहना चाहता है, बोलो पुत्र. सर जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, राइट, गुड कैलकुलेशन. चलिए आगे एवरेज भी निकालिए. एवरेज सर, एवरेज का फॉर्मूला भूल गया मेरे को. एवरेज बेटे इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, राइट. आपने बी निकाल लिया ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी किया होगा आपने. तो वी यू आपने, बिकॉज कार इज फॉलिंग ऑफ यू मस्ट बी जीरो. जी आपको उन्होंने कहा 10 ले लो, टाइम 0.5 सेकंड्स आपको दे रखा है, तो दिस इज ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकंड पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट में बी एवरेज की जब आप बात करोगे, यू प्लस वी बाई 2 कर दोगे ड्यूरिंग 5 सेकंड्स ओनली, एंड इट विल बी यस यस दिलजीत 0 + 5/2 एंड बी एवरेज दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड. थर्ड पार्ट, हाउ मच इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड 1.25 मीटर. जयती चेक करो सारे बच्चे, इतना ही आ रहा है, 1.25 मीटर ही आ रहा है. आई होप इट्स करेक्ट. वेरी नाइस, बढ़िया. लेट मी सॉल्व दिस विद यू आल्सो, दिस पार्ट थर्ड पार्ट. आप
जानते हैं एस जो है हमारा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाइट आपके पास आ जाएगा, यू तो जीरो है, टी चलो है या नहीं है इसकी बात छोड़ दीजिए आप, और वन बाई टू दिस इज टेन, टी आपका पॉइंट फाइव का स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो जाएगी, एस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टेन इंटू पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव, एस इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टेन इट इज पॉइंट टू फाइव राइट, और टेन से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इट इज वन बाई टू इंटू टू पॉइंट फाइव इज वन पॉइंट टू फाइव लीटर्स। सारे स्टूडेंट्स भी एक बार चेक कर लीजिए इज इट देयर और नॉट बेटा, देखो बेटे बताओ फिर मुझे, सबको क्लियर है ये बेटा, चलें आगे अदरवाइज। हाँ जी बच्चों ठीक है बेटा ठीक है, चलिए फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, लेट अस फोकस अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर चिल्ड्रन इसके बाद यस न्यूमेरिकल है छोटा सा, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी एक्ट्स अपॉन ए बॉडी ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी whose weight is 9.8 newton, whose weight is 9.8 newton, what is the mass of the body and how much is its acceleration, what is the mass of the body and how much is its acceleration between? How much is its acceleration? Solution part मैं एक मिनट के बाद करूंगा, आप लोग सारे स्टूडेंट्स बेटे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा औखा मुश्किल वाला न्यूमेरिकल नहीं है ये। All of you, bitte dear children, एक मिनट लगाइएगा एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट इन द एंड एज द रिजल्ट बेटे, सारे स्टूडेंट्स बेटे करके देखिएगा। हाँ जी युग शर्मा बोलिए जी। मास सर 1 kg ठीक है, और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन निकालिए अभी निकालिए बेटे, गुड वेरी गुड बेटा, एक्सेलरेशन इज एप्रन ही आपने क्या लिखा है पुत्र, समझ नहीं आ रहा लक्ष्य, नहीं बेटा नहीं 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 यस अब ठीक है, एप्रन ठीक है बेटा, दलजीत राइट ओके, चलिए डियर चिल्ड्रन मैं भी सॉल्व कर देता हूं, जिन बच्चों का हो गया बहुत खुशी वाली बात है, जिनका रहता है वो भी देख लीजिएगा, आपको वेट W जो है this is given to be 9.8 newton, see this part of the statement, और आप जानते हैं weight W जो है m into g के बराबर होता है, तो आप इस weight की जगह पर ये चीज लिख सकते हो m into g, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं पहले एक स्टेप में,
दिस इज 9.8, m इंटू 9.8 इज 9.8, m इज इक्वल टू 1 kg, मास इज 1 kg। इसके बाद आपको निकालना है बच्चों एक्सीलरेशन। सी दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ 20 N इज गिवन टू यू एंड यू नो वेल दैट f इज इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इज 20 N, मास इज 1 kg, a इज रिक्वायर्ड, a इज 20 m/s². दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बेटा। यस विदे धीरेन, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई दिक्कत हो इसमें तो आप बता सकते हो, अदरवाइज फिर हम चले आगे। जी बेटे, किसी भी बच्चे को बेटे कोई भी दिक्कत वाली बात है तो आप बता सकते हैं बेटा। यस बेटे, ओके नाइस बेटे। एक बेटे बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका जो है डेरिवेशन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट और आप इसको देखिएगा सॉल्व करके, इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। आपको कहा गया है न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड आर। ये बेटे आपको निकालना है। धीरेन धीरेन, यस सर। तो बेटे ये आपको निकालना है एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, स्मॉल, कैपिटल एंड कैपिटल आर। आइए इसको सोचें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बेटे आपको देखिए स्मॉल जी ऑलरेडी पता है कि दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। आइए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और बच्चों मास जो होता है ये आप जानते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर हुआ करता है, एवरेज डेंसिटी, या यूं कह लीजिए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास बन गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बेटा। अर्थ को अगर हम बेटे एक स्फेरिकल बॉडी मान लें, एक स्फीयर की तरह मान लें, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो है ये स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो जो है ये ऐसे चल जाएगी, ये एवरेज डेंसिटी अब हम ले रहे हैं बेटा। ये मास की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, ये आइए देखें स्मॉल जी बन गया फिर आपके पास कैपिटल जी अपॉन आर का स्क्वायर। एम की जगह पर मैं ये लिख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, आर की डबल पावर, यहां पर फिर एक ही आर बचेगा, बाकी सारे फैक्टर्स आपके जो है ये एडजस्टेड ही हैं, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। स्मॉल जी आपके पास फिर आ गया जी 4/3 पाई कैपिटल जी आर एंड रो। आपको निकालना क्या है एवरेज डेंसिटी, रो निकालना है आपको। तो इसको इधर ले आइए, 3g इज 4πgrρ एंड रो इट इज 3g अपॉन 4πg एंड r। सारे स्टूडेंट्स उत्तर चेक करके बताओ, सारे बच्चों को समझ आ गया बेटा एवरेज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की है? ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, किसी बच्चे को कोई बात नहीं? हाँ जी बेटे दलजीत कुछ कहना चाहता है, बोलिए जी पुत्र दलजीत। सर हम रो की जगह डी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटे, कोई बात ही नहीं, ऐसी लिखो आप बार बार लिखो। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लिखिए आप।
एनी अदर चाइल्ड हैविंग एनी अदर पॉइंट बेटा? यस विधि, परमीत सिंह, मितांश, लक्ष्य, परने। हाँ जी डियर चिल्ड्रन, समझ आ गया सबको? ओके बेटा। सो बेटे अब मैं नेक्स्ट मेडिकल नहीं लिख पाऊंगा, योर टाइम इज अप। किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है या कुछ बताना है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है बेटे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे। थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू डियर।